हावड़ा ब्रिज 12 बजे के बाद बंद क्यों कर दिया जाता है? हावड़ा ब्रिज आज तक बिना किसी पिलर और नट बोल्ट के कैसे खड़ा है? कहाँ है हावड़ा ब्रिज की चाबी जो अंग्रेज छुपा कर गए थे? कौन देगा इन रहस्यों के जवाब? दोस्तों 1943 में हुगली नदी पर बने इस हावड़ा ब्रिज का काम था हावड़ा और कोलकाता को जोड़ना, ताकि आम लोगों और व्यापारियों को आने जाने की सुविधा हो सके। ये ब्रिज इतना अद्भुत और रहस्यमय है कि इसके चर्चे दुनिया भर में होते हैं, और ये चर्चे अभी से नहीं बल्कि जब से ये बनकर तैयार हुआ है तब से ही मौजूद हैं, क्योंकि इस ब्रिज के पीछे कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसे जानकर शायद आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएं। और अंग्रेज हम भारतीयों से कुछ ऐसा राज छुपा कर गए हैं जिसका पता लगाने में हमारी सदियां बीत जाएंगी। आज हम इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज से रिलेटेड बहुत सारे रहस्य और अनसुनी बातें आपसे शेयर करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों हावड़ा ब्रिज की सच्चाई जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना पड़ेगा। तो अब बात हो रही है 1860 और 70 के बीच की, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश रूलर ने भारत में ही रहकर भारतीयों को बहुत प्रताड़ित किया था और हमारे देश के ईंधन और संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया था। उसी वक्त कोलकाता भारत के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह था, लेकिन हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला कोई ब्रिज उस वक्त मौजूद नहीं था। उस समय आम लोगों से लेकर सरकारी अधिकारियों का भी नाव से आना जाना था, जिसमें काफी परेशानियां हुआ करती थी। तभी सन 1872 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास हुआ था। इसके बाद यहां पर पीपे का पुल बनाया गया जिसकी लागत 22 लाख थी, और 1974 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। करीब 2 दशक तक इस पुल का लोगों ने सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया, लेकिन जब सन 1906 में हावड़ा स्टेशन बना उसके बाद इस पुल की कोई अहमियत नहीं रह गई। लोगों ने इसका इस्तेमाल एकदम से कम कर दिया, जिसे ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने पीपे के पुल को हटाकर वहां फ्लोटिंग ब्रिज तैयार किया। फिर 1922 में हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए कमिटी बॉर्थविट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को हावड़ा ब्रिज बनाने का टेंडर दिया गया। कंपनी ने ब्रिज को बनाने के लिए बड़े ही अतरंगी नियम बनाए, या कहें कि बहुत अलग तरीके से इस ब्रिज को बनाने का प्रयास किया कि नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। और हुआ भी यही, स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए मेटल की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें मेटल की ही बनी कीलों से प्लेटों को जोड़ा गया। यह अतरंगी नियम यहां तक ही नहीं रुके, इसके बाद कंपनी ने एक नया फरमान निकाला जिसमें कहा गया कि इस ब्रिज को बिना किसी पिलर के बनाया जाएगा। उस समय ये फैसला दुनिया भर में भूचाल लाने जैसा था। लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस समय यह दुनिया का तीसरा लंबा ब्रिज बनने जा रहा था। अंत में बिना पिलर के ब्रिज को बनाने की शुरुआत की गई, लेकिन अगर आज भी यह ब्रिज टिका हुआ है तो इसका कारण है इसके दोनों किनारे पर लगे हुए 2 मजबूत खंभे। इन खंभों की मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये 70 से 80 सालों से टिका हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 मीटर है। इस पिलर को बनाने के लिए 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि इसमें काफी मात्रा में स्टील हमारे भारत की कंपनी टाटा कंपनी ने ही सप्लाई की थी, ताकि इस ब्रिज का निर्माण हो सके। फिर कंपनी ने हुगली नदी पे चलने वाली बड़ी नाव और जहाजों के लिए ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो सुनने में आपको बहुत अजीब लगने वाला है, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि इस ब्रिज की वजह से पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों को कोई परेशानी न आए, इसके लिए इस ब्रिज को ताले से बंद कर दिया गया था, ताकि जब कोई बड़ा जहाज हुगली नदी पर आए तो इस ब्रिज को खोल दे और जहाज आसानी से नदी पार हो सके। हालांकि बहुत से लोग इस बात को मनगढ़ंत कहानी के तौर पर देखते हैं, पर बहुत से इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में ब्रिज की एक चाबी का जिक्र किया है। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रिज की वो चाबी अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, ताकि हम भारतीय कभी भी इस ब्रिज से परिचित ना हो पाए। कुछ समय बाद कंपनी ने ऐसा रूल निकाला जो आज तक भी ब्रिज पर फॉलो किया जाता है। कंपनी ने कहा था कि ब्रिज जैसे भी बने 12 बजे ब्रिज को कुछ समय के लिए बंद करना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ब्रिज टूट जाएगा, पानी में समा जाएगा। लेकिन कंपनी ये बताना भूल गई कि आखिर 12 बजे दिन या 12 बजे रात को ब्रिज बंद करना है। इसी वजह से दिन हो या रात, घड़ी में 12 बजते ही हावड़ा ब्रिज कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। और एक बात और जो कि बहुत हैरान करने वाली है, वो ये कि हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन हुआ ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी नए ब्रिज का या पुल का निर्माण के बाद उसका उद्घाटन किया जाता है, उसकी पूजा होती है, लेकिन हावड़ा ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तब विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस समय उद्घाटन सेरेमनी नहीं हुई, इसके बदले हावड़ा ब्रिज ने कई बमबारी झेली। उसके बावजूद हावड़ा ब्रिज को सुई भर भी नुकसान नहीं हुआ।
आज हमारे सामने वो वैसा का वैसा ही टिका हुआ है। यह ब्रिज न सिर्फ अनसुनी कहानियों और अटपटे नियमों से बना हुआ है, यहाँ आसपास रहने वाले बहुत से लोग इस ब्रिज से जुड़ी बहुत से रहस्य बताते हैं। अगर पूछा जाए कि क्या हावड़ा ब्रिज आज भी सुरक्षित है तो इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि लोगों की पान थूकने वाली आदत हावड़ा ब्रिज की नींव को कमजोर करती जा रही है। इसके साथ ही यहाँ रह रहे पक्षियों की वजह से केमिकल रिएक्शन से स्टील की क्षमता भी घट रही है। हर साल सरकार हावड़ा ब्रिज के देखभाल के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसमें पेंट से लेकर साफ सफाई तक शामिल है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। दोस्तों, इस ब्रिज को न सिर्फ हावड़ा ब्रिज बल्कि गुरु रविन्द्र सेतु नाम से भी जाना जाता है। साल 1965 में ही हावड़ा ब्रिज का नाम बदलकर गुरु रविन्द्र सेतु कर दिया गया था। खैर, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।